दिया और जिन पुलिस वालों ने बलवंत सिंह सेंगर की हत्या कर दी थाने में पीट पीट के, उनके घर पे बुलडोजर कब चलेगा? मुसलमान के घर पे बुलडोजर चलाने में योगी जी को समय नहीं लगता है? क्या मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? संगी की एक जान नहीं गई देश की आजादी में? मुसलमानों ने बलिदान दिया देश की आजादी की लड़ाई में। हमारे महाराणा प्रताप जब चित्तौड़ के लिए लड़ रहे थे तब अफगानी मुसलमानों ने हमारे किले पे जान दी है। हम जानते हैं सत्य क्या है। ये कौन है जो आज हमें हमारे देश में नागरिकों के घर तोड़ रहे हैं? घर नहीं तोड़ना चाहिए किसी का। अगर आप न्याय नहीं कर सकते, और हमें न्याय के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज उद्योगपति आज धंधा नहीं कर पा रहे। आज पता उत्तर प्रदेश में जीएसटी की रेट के मारे जिन्हें जीएसटी जो लोग जीएसटी के लाभ गिनवा रहे थे आज साले अपनी दुकानों में ताला डाल के बैठे हैं। ताला डाल के बैठे भाई साहब। योगी जी एक झूठे आदमी, मोदी जी एक झूठे आदमी है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये हमारे देश के महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं। आपको ये बात देशवासियों को समझनी होगी। अगर आप इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो कुछ भी कर लो, आने वाले दिनों में आपके बच्चों के तन पे कपड़े नहीं होंगे, आपके बच्चों के पास शिक्षा नहीं होगी। आप अगर सही मार्ग पे नहीं चलेंगे, ये भैया जी कहीं इनका नाटक डेली ड्रामा, दो लड़कियां वहां पे लड़ा रहा है, आपस में भिड़ा रहा है, उल्लू बना रहा है। मुद्दे की बात कर, चाइना को आंख दिखाने की बात की थी, चाइना ने घर बना लिया हमारी हमारी सरहद पे, हमारे अंदर घुसे आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासन में घुसा नहीं था, लड़ गए थे हम पे साधन नहीं था, लड़ गए थे। आज साधन है, रफेल है। कहां रफेल चलाए? ककनाट प्लेस। अरे काय की झूठी सर्जिकल स्टार, एक कौआ मरा आया था फोटो में, जिस जगह पे बड़े लोग मारे जाते हैं, एक तस्वीर आती है। वैसे पाकिस्तान की बिरयानी खाने का तस्वीर आ गई मोदी जी की, इतने आतंकवादी मारे एक तस्वीर नहीं आई। हम क्या देश के नागरिक भूखे नंगे बेवकूफ नहीं है? ये भारत है, यहाँ पे विवेकानंद जैसे बुद्धिजीवियों ने जन्म लिया है। ये पागल लोग जो हिंदू के और मुसलमान के नाम पे हमें पगलाने में सफल हो गए। बाबा रामदेव का अन्ना हजारे का आंदोलन इसी दिल्ली में हुआ और दिल्ली की जनता बेवकूफ बनी। अरविंद केजरीवाल नुकसान कांग्रेस का करता है, भाजपा का नहीं। जहां भाजपा नहीं आ सकती वहां वो जाता है, और कहीं पे उसकी जमीन है ही नहीं। हम चूतिया बन रहे हैं ना, तो आज हमारे बच्चे सच कह रहे हैं। हम सच को समझना पड़ेगा। वो लालच देता है फ्री का, वो टैक्स लगा के वसूल करता है। बात एक ही है ना, ये तो एक ही घर से है, वो भी संगी केजरीवाल, मोदी जी भी संगी। समझना पड़ेगा।